नमस्कार, मैं सर और आप सभी का स्वागत करता हूँ एशियन न्यूज इंडिया में। जैसा कि आप सभी को पता है, बच्चों को कोरोना संक्रमण की वजह से झारखंड सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा हफ्ता का ऐलान किया, जो कि अभी कयास लगाया जा रहा है कि 3 जून 2021 समाप्त होने वाला है। चलिए हम कोकर में मौजूद निवासियों से बात करते हैं कि सरकार के डिसीजन पर चिंता क्या रहा है। कल झारखंड सरकार द्वारा ये अभी ऐलान कर दिया जा सकता है कि 3 तारीख को लॉकडाउन खोल खोल गया है, तो इस पर आकर क्या रहा, क्या आप कहना चाहते हैं झारखंड सरकार? तो झारखंड सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि इस बार अगर खोल रहे हैं तो अच्छी बात है, बट सारे चीज़ हमें देख कर ही चलना होगा कि कोविड जो भी रहता अचानक आ जाता है, तो हमें सारी जगह अपने आप को वैसे चलना है कि कोविड हमारे पर उठना, क्योंकि हम लोग भी काम करते जो भी करते कर, तो हमें उनसे कोविड से हमें दूर रखे करना, अपने अपनी खुद की खुद को अपने देखते हुए काम करना, तब अगर सरकार खोलती है काफ़ी अच्छी बात। इसी बीच हम अभी आ गए हैं लालपुर बाज़ार में। चलिए, यहाँ पर सब्जी विक्रेताओं से जानते हैं कि जो 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने का जो प्रयास लगाया जा रहा है, इस पर इनका क्या रहा है या सरकार से क्या कहना चाहता है? और अभी खोलेंगे तो फिर बीमारी बढ़ेगा, फिर हम लोग को फिर यही दिक्कत करना पड़ेगा। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अगर अभी नहीं खोलेंगे तो आप लोग को कष्ट आ सकती है पैसों के वजह से, इस पर आप क्या कह रही है? कष्ट तो हो रहा है लेकिन पूरा खत्म हो गया तब ना, फिर तो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर यही चीज़ होगा, यही चीज़ होने वाला है ना, फिर बीमारी फिर बढ़ेगा, फिर लॉकडाउन लगाएंगे तो फिर हम लोग को तकलीफ होगा। अभी जो तकलीफ अभी कह रहे हैं तो थोड़ा और बढ़ा के करेंगे, तो हम लोग अभी कर सकते हैं, खोल के फिर बंद करेंगे, कोई फायदा नहीं। जैसा कि आपने देखा है, किस प्रकार से लोगों का यही कहना है कि अभी लॉकडाउन खोलना अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खुलेगा तो अभी बहुत तेज़ी से बीमारी बढ़ेगी और इससे लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो एक तरफ और लोगों की ये कहना है कि खोल देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तकलीफ का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आगे की ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे इंडियन इंजीनियरिंग चैनल गौरव राय के साथ, कैमरा पर्सन शुभम बैरन।